मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे लोग धोखे का शिकार हैं। दो चीज़ें, सही बुखारी है, लोग गलत फहमी का शिकार हैं। दो नेमतें ऐसी या रसूलल्लाह, कौन सी? फरमाया, एक तंदुरुस्ती, एक फुर्सत। लोगों को पता ही नहीं हमारे पास कितनी बड़ी नेमतें। मुझे आज वक्त मिला हुआ है, मेरे पास टाइम है, मैं दुरूद पाक पढ़ सकता हूँ, तिलावत कर सकता हूँ, अल्लाह को याद कर सकता हूँ, सदकात कर सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ, फुर्सत है। और एक सेहत। और सजनों, वो लोग भी हैं जो अब कुर्सियों पे नमाज पढ़ते, वो भी हैं कोई सहारा दे तो वुजू करते हैं, वो बेचारे भी हैं कि जिनका दिल करता है कि मस्जिद जा के नमाज पढ़ूं, लेकिन अब आने की ताकत मौजूद नहीं रही उससे पहले पहले, वरना ओड़कते दिन आया है मोहम्मद, इन्हें होर कड़ी नु डूब जाना है। अपनी डायरी को खोल लें, अपनी तरजीहात तय कर लें, तसलसल से उस पर मेहनत करें।